हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं एक मज़ेदार गेम। और इस गेम का नाम है इंग्लिश बोलो गेम। ठीक है, इंग्लिश बोलो गेम, कितना मज़ेदार नाम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे इंग्लिश में बात करने की या इंग्लिश में बोलने की। बहुत ही सिंपल सा इसका नियम है। मैं आपको एक सेंटेंस बनाऊंगा, बताऊंगा, और उसी सेंटेंस को आपको तीन चार रूपों में बोलना होगा। ठीक है, देखिए कैसे। तो सबसे पहले मैं एक साधारण सा जो है सेंटेंस लेता हूँ और शुरू करता हूँ। जैसे कि मैं गरीब हूँ, तो आई एम पुअर। मैं गरीब हूँ यार, आई एम पुअर मतलब मैं गरीब हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कि मैं गरीब नहीं हूं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे या बोलेंगे भी, तो कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट पुअर। ठीक है, अब हम कहेंगे कि क्या मैं गरीब हूं, क्या मैं गरीब हूं, तो इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, एम आई पुअर। इसको हम लिख, मैं यहां पे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक एग्जांपल आप देखोगे समझ जाओगे, फिर हम आपस में बात करेंगे। ठीक है, कमेंट के जरिए। तो मैंने क्या कहा, क्या मैं गरीब हूं, तो इसको हम बोलेंगे कि एम आई, सॉरी, एम आई पुअर, एम आई पुअर। और यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह, क्या मैं गरीब हूं। अगर मैं बोलूं कि क्या मैं गरीब नहीं हूं, क्या मैं गरीब नहीं हूं, तो इसको हम बोलेंगे कि एम आई नॉट पुअर। ठीक है, एम आई नॉट पुअर, क्या मैं गरीब नहीं हूं। अब एक सेंटेंस इसी में और लेंगे कि मैं कैसे गरीब हूं, मैं कैसे गरीब हूं, तो हम लिखेंगे हाउ एम आई पुअर, हाउ एम आई पुअर, मैं कैसे गरीब हूं। फिर अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, मैं कैसे गरीब नहीं हूं, मैं कैसे गरीब नहीं हूं, तो इसका बनाएंगे हाउ एम आई नॉट पुअर, हाउ एम आई नॉट पुअर, मैं कैसे गरीब नहीं हूं। तो ये मैंने एक सेंटेंस से छह जो है सेंटेंस बना दिया है। अब ये तो मैंने लिखा है, तो हमें लिखना नहीं है, हमें बोलना सीखना है। और आप सबको आता है, बस आपने कभी ट्राई नहीं किया है। तो आज हम ट्राई करेंगे। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि बोल कर सीखने की। तो ये तो आपने देख लिया, समझ गया इसका नियम क्या होता है। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, यू आर रिच, तुम अमीर हो, तुम अमीर हो। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल सा है, आप भी कोशिश कीजिए। यू आर रिच पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा बोलेंगे यू आर नॉट रिच, तुम अमीर नहीं हो, यू आर नॉट रिच। तीसरा बोलेंगे कि क्या तुम अमीर हो, तो आर यू रिच, आर यू रिच, क्या तुम अमीर हो। फिर बोलेंगे क्या तुम अमीर नहीं हो, आर यू नॉट रिच, क्या तुम अमीर नहीं हो। इसको हम और जाएंगे गहराई में, तो इस प्रकार से बोलेंगे तुम कैसे अमीर हो, हाउ आर यू रिच, तुम कैसे अमीर हो, हाउ आर यू रिच। तुम कैसे अमीर नहीं हो, हाउ आर यू नॉट रिच, तुम कैसे अमीर नहीं हो, यानी कि हाउ आर यू नॉट रिच। ठीक है, तो ये मैंने बनाया, आप भी कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूँ, आप इसका जो है आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत ही सिंपल सा है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। इसका जो है आप सारा सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका मैं बताने वाला नहीं हूँ, आपको कमेंट में लिखना है कि क्या बनेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, ही इज क्लीवर, मतलब कि वह चालाक है, ही इज क्लीवर। अब इसको कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट क्लीवर, वह चालाक नहीं है। फिर अगर कहें कि क्या वह चालाक है, तो इज ही क्लीवर, क्या वह चालाक है। फिर बोलेंगे कि क्या वह चालाक नहीं है, क्या वह चालाक नहीं है, इज ही नॉट क्लीवर, क्या वह चालाक नहीं है। वह कैसे चालाक है या वह क्यों चालाक है,
वह क्यों चलाक है, वाई इज ही क्लिव है। अगर मैं बोलूं कि वह क्यों चलाक नहीं है, वाई इज ही नोट क्लिव है, वह क्यों चलाक नहीं है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे जो है सीखेंगे बोलना। और ये जो हम बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, सिंपल सा है। ट्रांसलेशन आपने बनाया होगा, आपको बेसिक जो है ट्रांसलेशन बनाने आता होगा, बस उसी ट्रांसलेशन को हम बोलने का काम कर रहे हैं, मतलब बोलने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो आपको भी ट्राई करना है, क्योंकि बिना बोले बिना यूज किए आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। जब हम बचपन में थे तो एकदम दिल से बताइए, बात जो है सच बताइएगा, दिल से बताइएगा, जब आप कोई भाषा पहले सीखे होंगे तो आपने उसे बोल कर सीखा या पहले लिख कर सीखा। ऑफिशियली हम पहले बोलना सीख जाते हैं, लिखना तो बाद में सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलने का कोशिश करते हैं इसलिए बोलना सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार से इंग्लिश भी है, यह भी एक लैंग्वेज है, तो हमें बोलना पड़ेगा, बोलना होगा, तभी हम इसको सीख पाएंगे। भले टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे, भले गलत बोलेंगे, लेकिन ट्राई करेंगे बोलने का। तो हम भी यही ट्राई कर रहे हैं और आप भी ट्राई करें, धीरे धीरे जो है ये हैबिट में आएगा। और हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग गेम लाते रहेंगे इस वीडियो। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि हम और आप मिलकर करेंगे इंग्लिश की समझ जाओ।